गुड इवनिंग, लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द आर्टिकल फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो बचा हुआ भाग है, वहाँ से हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की सबसे हम ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर क्लोज हो चुका है, ज़्यादा बचा नहीं रह गया है, थोड़ा सा ही रह गया है। विल ट्राई टू फिनिश इट, आज इसको हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हमारे पास जो आर्टिकल रह गए हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। अब देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए खास बात क्या है, क्यों यह बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट जरूरी इसलिए भी है कि इसके सहारे आप समझने की कोशिश करते हो अपने, ये क्लाइमेट चेंज में भी काम आता है। अगर हम इसको लोग पढ़ेंगे तो ये हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए भी, ये हमारे लिए क्लाइमेट चेंज में भी काम आता है। तो लेट्स सी द फर्स्ट ऑफ द इशू। पहला क्या है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हम किस तरह से देखने की कोशिश करते हैं, यह हमारा जो संविधान का जो अनुच्छेद है, इसमें खास बात क्या है, इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। लेट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वाया आर्टिकल 40 वाया आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 48A यह क्या कहता क्या है, एफईसी आर्टिकल 48 क्या बोलता है, यह बात करता है कि स्टेट इस बात के लिए ओब्लाइज है, स्टेट को यह कार्य कर, सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहते हैं राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य को क्या करना चाहिए इस बात को लेके सारे राज्य के हमारे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं राज्य इस बात को करने के लिए प्रतिबद्ध है, या राज्य को यह करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि कैसे हम इम्प्रूव करें अपने प्रोटेक्शन, जो अपने इन्वायरमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। अपने एनवायरनमेंट को हम कैसे संरक्षित करें, यह एक महत्वपूर्ण बात हमारा आर्टिकल 48 कहता है। इसमें दो चीज है, एनवायरनमेंट का जो इम्प्रूव प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, क्या है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ें तो पहली बात कहते हैं अपने पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार करना, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव ऑन एनवायरमेंट, और दूसरा सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब इसके साथ खास बात क्या है, जब आप क्लाइमेट चेंज को पढ़ने या समझने की कोशिश करें तो क्लाइमेट चेंज को पढ़ने और समझने में आप इसका इस्तेमाल करें। जो आपका आर्टिकल 48A है, आप अगर अपने बेयर एक्ट भूले तो जो आपके बेयर एक्ट में आर्टिकल 48A है, जब आप क्लाइमेट चेंज पर किसी राज्य किसी अपने सरकार की अपने किसी कार्यवाही के बारे में कोई सवाल जवाब करें, उसको करते समय आप जरूर ध्यान रखें कि हम आर्टिकल 48A का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो एक चीज आप क्या याद रखेंगे कि आर्टिकल 48A और क्लाइमेट चेंज। मान लीजिए क्लाइमेट चेंज पर आप कोई आंसर कर रहे हैं,
मान लिया क्लाइमेट चेंज पर कोई आंसर कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज पर आंसर करते समय आप इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, हमारे डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी में क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या लिखा गया है। तो यह आपके उत्तर को एक थोड़ा सा नया आयाम जरूर दे देगा कि भारत, चूंकि आप क्लाइमेट चेंज पर जो भी आंसर करेंगे वह इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अपना वो पेरिस एग्रीमेंट से कंट्रोल होता है। पेरिस एग्रीमेंट से हमारा क्लाइमेट चेंज सारा का सारा इश्यू कंट्रोल होता है। जब पेरिस एग्रीमेंट से क्लाइमेट चेंज कंट्रोल होता है तो क्या कहा जाता है कि राज्य क्या करें, जब आता है राज्य क्या करें तो आप 48(1) लिखें कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 48(1)(a) है वह इस बात को कहता है कि हमारा कर्तव्य बनता है कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे काम करें। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये हमने 42nd अमेंडमेंट ...1976 में ही एक्ट कर दिया था। उस समय क्लाइमेट चेंज पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी। एट दैट टाइम नो डिस्कशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देयरफॉर वी आर पायनियर, यही लिखिएगा, therefore we are pioneer in the field of climate change, got it? किसको ये मुद्दा क्लियर हुआ किसको नहीं हुआ बताइए मेरे को। हम आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को कैसे आप लिखेंगे अपने एग्जाम में, किसको ये मुद्दा क्लियर नहीं हो रहा है। Just try to understand how we will answer the climate change. यह एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसा मुद्दा है जो कि आपके सम्मुख हमेशा ही आएगा। बताइए किसको क्लियर हुआ किसको क्लियर नहीं हो रहा है, टेल मी, क्या रिपीट कर दें, व्हाट वांट मी टू रिपीट। देखिए क्या है, हम कोशिश क्या कर रहे हैं, जस्ट सी व्हाट आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हम जब कोई क्लाइमेट चेंज पर आंसर करें तो हम 48(a) का कैसे इस्तेमाल करें। What I am trying to explain you कि आप जब क्लाइमेट चेंज पर कोई आंसर करें तो आखिर 48, देखिए जब तक आप लोग लिंकिंग नहीं सीखोगे सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे हो। आर्टिकल 48(a) का इस्तेमाल, the use of आर्टिकल 48(a) how in the question of climate change, अब देखिए आपको हमें एक सवाल बनाते, चलिए सवाल देखिए, सवाल क्या है, भारत और क्लाइमेट चेंज, इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, सवाल हो गया।
भारत और क्लाइमेट चेंज। सवाल क्या क्या बना है कि आपको यह लिखना क्या है, आपको लिखना है आपके पास सवाल क्या आया है। चलिए एक सवाल बनाते हैं, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या क्या प्रयत्न किए गए, और भारत ने इस दिशा में क्या प्रयत्न किया है। इट इज द क्वेश्चन। मान लिया आप ये क्वेश्चन आपका 150 शब्द का है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द पेरिस एग्रीमेंट, व्हाट हैज बीन डन विथ रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज बाय इंडिया। आप इसमें चाहे आप ऐड कर दें वर्ल्ड फोरम में क्या क्या किया गया और भारत ने इस दिशा में क्या क्या प्रयत्न किया। अब ये सवाल किसका है, यह सवाल आपके क्लाइमेट चेंज का है। किसमें आएगा ये, आपके ये पेपर 3 में आएगा। अब हम इस सवाल का जवाब देते समय हम पॉलिटी का इस्तेमाल कैसे करें। अब इस सवाल का आंसर देते समय पॉलिटी का इस्तेमाल कैसे करें, समझ आ गया। हम इस सवाल का जवाब देते समय पॉलिटी का इस्तेमाल कैसे करें, गॉट इट। अभी कोई दिक्कत है बताओ मेरे को, बताइए आप, बताइए इसमें क्या दिक्कत है, बोलिए इस सवाल का जवाब देने में क्या समस्या है। बिना पेरिस एग्रीमेंट हम लोग अलग से करेंगे, पेरिस एग्रीमेंट पूरा एक लेक्चर की मांग करता है। विल डू पेरिस एक्ट इन द डिटेल, दैट इज अ पार्ट ऑफ द पेपर 3, जरूर कर देंगे पेरिस एग्रीमेंट, पक्का कर देंगे। किसको क्लियर नहीं हुआ टेल मी, टेल मी, बताइए। अब हम इस सवाल के आंसर में 48A का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इस सवाल के जवाब में 48A का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इस सवाल के जवाब में, छोड़ इस सवाल के जवाब में 48A का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, बताइए मेरे को, टेल मी। गॉट इट, किसको क्लियर नहीं हो रहा है। अब यहां पे आप इस्तेमाल करें कि जो भारत की, आप कैसे लिखेंगे, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमने इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन, हमारे हमने इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन और जंगलों के विकास की प्रक्रिया का समावेश किया है। यह हमने समावेश कब किया था, यह हमने समावेश तब कर दिया था जबकि 1976 में क्लाइमेट चेंज पर कोई भी वार्ता नहीं होती थी। इट्स क्लियर, कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, कम द फर्दर। अब इस बात को हमेशा कहा गया है कि जहां पर जो प्रॉब्लम हो इकोलॉजी की
उस प्रॉब्लम को देखते समय आप 48A और 51AG इन दोनों को ध्यान रखिए। 48A एंड 51AG इन दोनों को आप ध्यान रखिए। यह दोनों क्या कहते हैं, 48A और 51AG दोनों को ध्यान रखिए। तो यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वेन एवर ए प्रॉब्लम ऑफ इकोलॉजी इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, इट इज बाउंड कीप इन माइंड 48A एंड 51G एंड कैन नॉट लीव द मैटर इंटायरली टू द गवर्नमेंट, कैन नॉट लीव मैटर इंटायरली टू। क्लियर हो गया? तो जो यह हमारा मामला है एनवायरनमेंट का, इस एनवायरनमेंट के मामले में हम इन दो, यह मूल कर्तव्य है 51G, इसको हम अगर और समझने की कोशिश करें, हम इसको और एग्जामिन करते हैं, आर्टिकल 39E, 47 एंड 48A। अब फिर देखिए 39E, 47, 48A। इन तीनों को साथ पढ़ने की कोशिश करिए। इन तीनों को साथ पढ़ने से क्या निष्कर्ष आ रहा है, हेल्थ एंड हेल्थ ऑफ पीपल एंड प्रोटेक्ट इन एनवायरमेंट, ये हेल्थ ऑफ पीपल से आ रहा है। आप एक मिनट के लिए आप बेयर एक्ट खोलिए, अपना खोलिए, आप खोलिए 39E, ओपन 39E इन योर बेयर एक्ट। What is 39E? Health and strength of the worker. मिल गया? Health and strength of the worker की बात करता है 39E। खोलिए 47। Nutrition level, standard of living, public health, and open 48A। यह तीनों एक साथ क्या कहते हैं? यह तीनों के तीनों एक साथ क्या कहते हैं? कि हमारे अपने लोगों की सेहत और एम्प्लॉयमेंट बगैर एनवायरनमेंट को ठीक किए क्या पब्लिक की हेल्थ ठीक की जा सकती है? बताइए, अब आ गया? अब यहां से आप यहां की यात्रा करिए। अब देखिए, नाउ रीड इट, होप इट्स क्लियर। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। बोले, अभी भी कोई डाउट है? बगैर इन्वायरमेंट को ठीक किया, फिर सवाल क्या रिपीट कर रहे हैं, बगैर इन्वायरमेंट को ठीक किए क्या पब्लिक की हेल्थ ठीक की जा सकती है? बोलिए, टेल मी, वी कैन एड आर्टिकल 21 ऑल्सो। तो अब क्या हो गया, 21, 39E, 47, 48, डन। किसको क्लियर नहीं हो रहा है? एनीवन हैज डाउट? सवाल का आंसर कर लेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है,
कि आप अगर कभी इन्वायरमेंट हेल्थ, हम इसको और थोड़ा से आपको एक्सप्लेन करते हैं, अगर कभी आप इन्वायरमेंट पे हेल्थ पर किसी भी तरह के सवाल को हैंडल कर रहे हो, सवाल किसी भी तरह का हो, उसको हैंडल करते समय आप इन अनुच्छेदों का सहारा लें, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। तो हम अगर कहें, इसको हम फिर से कहते हैं 21 आर्टिकल 21, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51AG, इसको हम अगर एक साथ पढ़ते हैं, तो इसको एक साथ पढ़ने के बाद यह कंक्लूजन डिराइव होता है कि हमारे हमारी सरकार का दायित्व तो है, हमारी सरकार का दायित्व तो है कि वह वातावरण को शुद्ध रखे। If we read these articles together, let's English कर देते हैं। If we read Article 21, 47, 48A and 51AG, then what conclusion may be derived? An active interest in the protection of environment. आप अगर environment पे कोई ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें भी यह काम आएगा, एक्टिव इंटरेस्ट इन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड। एन एक्टिव इंटरेस्ट इन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन में एक एक्टिव इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इस आर्टिकल को अगर हम एक साथ पढ़ते हैं 21, 47, 48A and 51AG, तो हम एक कंक्लूजन डिराइव करते हैं कि संविधान क्या हमको निर्देश देता है, एन एक्टिव इंटरेस्ट इन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अब यह जो संविधान के अनुच्छेद हैं, यह ऐसे मुद्दे को खड़ा कर देते हैं कि व्यक्ति और समाज का इन्वायरमेंट के प्रति एक जवाब दे है। अब हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या कह सकते हैं, एक बैलेंस होना चाहिए इन्वायरमेंट में और डेवलपमेंट। अब आते हैं आपके GS4 पे, नाउ वी आर मूविंग ऑन विद GS4, बैलेंस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनी प्रॉब्लम, जल्दी बोलिए। एनवायरमेंट में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक बैलेंस होना चाहिए। जल्दी बोले, इट्स क्लियर नॉट क्लियर? अब GS4 का सवाल कैसे हैंडल करेंगे बताइए मेरे को आप। How you handle the GS4 question? कि जब आप कोई environment का और sustainable development का कोई सवाल देखें, उसमें क्या होगा, एक balance होना चाहिए। अब आप जब GS4 का कोई question हल कर रहे हैं, आप फिर इसका इस्तेमाल करिए। You again use this when you are solving the GS4, you again use this.
इट्स फाइन और नॉट फाइन, बोलिए बोलिए। नहीं क्लियर हो रहा है, बोले बोले आप, फाइन फाइन, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा टफ टास्क है, हम लोग आराम आराम से करते हैं, बहुत जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसके बाद जब आपके पास यह इशू हो गया कि एक बैलेंस ड्रॉ होना चाहिए बिटवीन प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसका मतलब क्या हो गया, एक रिकंसिलिएशन होना चाहिए किसके बीच। अब इससे आगे आते हैं, अब इससे आप एक कदम आगे आइए, नीड टू बी हैव रिकंसिलिएशन। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट गिव मी 5 मिनट टाइम, आई एम अगेन लॉग इन, गिव 5 मिनट टाइम, गिव जस्ट 5 मिनट टाइम, जस्ट गिव 5 मिनट टाइम, आई एम अगेन लॉग इन।